हेलो दोस्तों, हम ब्रेन टीजर लेंथ वेट कैपेसिटी तीनों का बता रहे हैं। टिक द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और लीटर। लीटर तो कैपेसिटी का, तो फटा चढ़ गया। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता था मीटर है। सर दोस्तों, बुक सब दूसरा दूसरा लिखता है, लेकिन मी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। 10 लीटर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000, इसलिए 10 लीटर इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 इसमें है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 10 ऑलरेडी है, 3 जीरो लगता है, तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा, 10 ऑलरेडी है। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ एन एप्पल इज, वेट एप्पल का जो है, एक एप्पल का अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है? तो 3 kg बोला है तो बहुत है, 2 kg भी है। 500 ग्राम, 500 ग्राम का एप्पल तो बहुत दुख है, हाफ के जी मतलब इसका मतलब होता है, तो 150 ग्राम ये होगा। उसके बाद है 5 मीटर कैन बी द लेंथ ऑफ ए, 5 मीटर किसका हो सकता है? पेन, तो पेन तो देखिए यही है, तो ये सेंटीमीटर है, 5 मीटर समझते हैं दोनों। अब छोटे बच्चे हैं, दोनों हाथ फैलाएंगे तब 1 मीटर होगा। सारी का हो सकता है 5 मीटर। उसके बाद है यहाँ क्या है, ब्रेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइस इससे भी छोटा होता, बुक का भी नहीं होगा, तो ये सारी का ही होगा। अगला है अ रिबन इज मेजर इन, जो रिबन है जो लड़की लोग पहनती है, तो रिबन को मेजर मीटर में, लीटर में, ग्राम में और किलोग्राम में, तो मीटर में ही होगा। लीटर तो कैपेसिटी का होता है और ग्राम भी वेट का होता है, और इसका भी, ये भी वेट का होता है किलोग्राम, तो यही होगा। राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग। चलिए ये बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, तो ये होगा मीटर। उसके बाद है वाइट वेट ऑफ अ मोबाइल फोन, तो ये होता है ग्राम। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ये किलोमीटर। दोस्तों लिख लिख के बताता हूँ, नहीं तो फिर आप सोचिएगा लिख लिख के नहीं बता रहे। तो ए नंबर का मैंने बताया द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ये मीटर। बी नंबर का बताया द वेट ऑफ मोबाइल, ग्राम। सी नंबर में बताया डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून का किलोमीटर होगा। हम बता भी देते हैं कितना किलोमीटर है, अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर, और अर्थ और सन का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद डी में बता देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस फ्रॉम टू ऑरेंज, तो ये क्या हो जाएगा, मिली लीटर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला है ई नंबर, क्वांटिटी ऑफ राइस नीडेड फॉर अ फैमिली ऑफ थ्री, थ्री ऑफ द वीक, एक वीक के लिए, तो एक किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों, एक सप्ताह के लिए। लेंथ ऑफ सारी, तो लेंथ ऑफ सारी एफ हो जाएगा, ये मीटर। वेट ऑफ एन इंक बॉस बॉक्स, इंक बॉक्स का वेट जो हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा, जी, तो जी नंबर का जी हो जाएगा दोस्तों, ग्राम, जी फॉर ग्राम। उसके बाद एच क्या है, एच में क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ फीडिंग बोतल, तो ये भी मिलीलीटर में हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक, 7 किलो, 7 kg इक्वल टू, ए में हो जाएगा 7,000 ग्राम, बी में 11 मीटर इक्वल टू 1100 मीटर सेंटीमीटर, उसके बाद सी में हो जाएगा 5 लीटर इक्वल टू 5,000 मिलीलीटर, डी में हो जाएगा 10 kg इक्वल टू, और 3 जीरो लग जाएगा दोस्तों ग्राम लगाने के लिए, तो 4 जीरो हो जाएगा टोटल, ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद 9 मीटर इक्वल टू, ई में है 900 मीटर। अगला बता रहे हैं दोस्तों, द लेंथ ऑफ अ क्लोथ, द लेंथ ऑफ अ क्लोथ इज 1 मीटर 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स वेथ, मतलब देखिए यहाँ बता रहा हूँ, चौड़ाई जो है इट्स वेथ 1.5, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है, और लेंथ बोलता है इससे ज़्यादा है इतना, तो फाइंड द लेंथ ऑफ क्लोथ। ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, आप दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर इधर 4 है 4 है, इधर से बोलेंगे यहाँ इससे 2 ज़्यादा है, तो इधर कितना होगा, 6 होगा, कैसे, इधर उनको जोड़ना पड़ेगा, वैसा ही है, इससे लेंथ जो इतना ज़्यादा है, तो लेंथ हो जाएगा कितना, इतना तो होगा ही, और कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 मीटर 62 सेंटीमीटर। ये 4 नंबर बनाए हैं दोस्तों।
अगला है, अ फ्रूट सेलर परचेज 9 kg 750 ग्राम एप्पल एंड 25 kg 525 ग्राम मैंगो इफ सी सेल। दोस्तों ये बहुत लंबा सवाल है, मैं पेज चेंज करता हूँ। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, यहाँ परचेज एप्पल इक्वल टू कितना है दोस्तों, परचेज एप्पल 19 kg 750 ग्राम। उसके बाद अगला है परचेज मैंगो है दोस्तों, परचेज मैंगो मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, 25 kg 525 ग्राम। उसके बाद है सेल एप्पल कितना, 11 kg 600 ग्राम। उसके बाद है सेल मैंगो 23 kg 345 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ फ्रूट लेफ्ट बी सोल्ड, मतलब पहले तो इतना खरीदा इतना बेचा, तो पहले यहाँ कितना बचा वो पहले निकाल लेते हैं। 0, 5 में 0 गया 5, 7 में 6 गया 1, और इसमें केजी में हो जाएगा 9 में 1 गया तो 8। इतना बचा है, क्या बचा दोस्तों, ये लेफ्ट एप्पल बचा हुआ है, और इसका भी लेफ्ट मैंगो निकाल लेते हैं। 5 में 5 गया 0, यहाँ 12 में 4 घटाएंगे तो 8, 4 में 3 घटाएंगे 1, और केजी में हो जाएगा यहाँ 2। तो ये लेफ्ट मैंगो इतना और लेफ्ट एप्पल इतना, टुगेदर कितना बचा, तो यहाँ फिर दोनों ने 8 kg 150 ग्राम 2 kg 180 ग्राम, तो हो जाएगा 0, 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 3 ये ग्राम निकला, और 10 kg। तो लेफ्ट जो है, लेफ्ट क्या दोस्तों, फ्रूट इतना बचा हुआ है। ये पूरा प्रोसेस से बना है दोस्तों, ये सब आप सिर्फ ये लिखिएगा परचेज, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों परचेज एप्पल, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। रिया बाउट 5 kg ऑफ अलमोंड, सी गेव 800 ग्राम टू हर मेड एंड 1 kg 300 ग्राम टू हर नेबर। मतलब रिया 5 kg अलमोंड खरीद के लाए और उन्होंने दे दिया मेड को 800 ग्राम और 1 kg दिया, 1 kg दिया किसको, 1 kg 300 ग्राम दिया अपने पड़ोसी को, और 800 ग्राम मतलब 0 kg दिया होगा, 800 ग्राम दे दिया अपना मेड को, मेड होता है जो काम करने वाली होती है, 0 0 18 11 का 1 kg 1 2 kg, मतलब 2 kg 100 ग्राम इन्होंने दे दिया। आगे बोल रहा है उसके पास कितना बचा हुआ है लेफ्ट, तो यहाँ था कितना 5 kg था, और 0 0 ग्राम 000 लिख देता हूँ, 2 kg 100 ग्राम घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 900 ग्राम 2 kg 2 kg 900 ग्राम उसके पास बचा होगा। बाप रे ढेरी है। अगला बनाते हैं दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। 7 नंबर बना रहे हैं, सीलू वांट टू परचेज अ क्लोक सॉरी कोल्ड ड्रिंक फॉर हर सेल्फ, अपने लिए खरीद रही कोल्ड ड्रिंक, सी पोर 200 ml ऑफ कोल्ड वाटर, इन्होंने पोर तो उढ़ेलना होता है, 200 ml ये क्या था कोल्ड वाटर, तो यहाँ लिख देंगे कोल्ड वाटर इक्वल टू इतना। उसके बाद 75 ml क्या रोज सायरप, ये हो गया इक्वल टू इतना, और 3 ml मिल्क, तो यहाँ लिख देंगे मिल्क इतना। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक, तो सब मिला के कितना होगा, तो 5 + 0 = 5, 707, 3 + 1 = 5, ये इतना ml हो गया दोस्तों टोटल, एड फिर करना है। चलिए 8 नंबर बना रहा हूँ, 7 kg 158 ग्राम, 11 kg 342 ग्राम, 14 kg 250 ग्राम, तो यहाँ हो जाएगा 8 + 2 = 10 का 0 carry 1, 5 5 10 15 का 5 carry 1,
उसके बाद 314567 इतना ग्राम हो गया, और केजी में देख लेते हैं 718 12 का 2 carry 1 1 2 3 4 तो 42 kg इतना ग्राम होगा दोस्तों। अगला बनाते हैं, ये ए बना दिए, बी बनाते हैं दोस्तों, पहले पेज मोड़ लेते हैं। बी नंबर में 7 meter 35 centimeter 20 meter 46 centimeter 3 meter 15 centimeter तो सेंटीमीटर 556 16 का 6 carry 1 448 19 और मीटर में हो जाएगा दोस्तों 3 10 1 11 का 1 carry 1 3 तो इतना हो गया बी नंबर। अब 9 नंबर का है, सब ट्रैक करना है। 9 लीटर फ्रोम मतलब इसको पहले रखेंगे 17 liter 736 milliliter में घटाना है 9 liter 350 milliliter तो मिलीलीटर में आ जाएगा 6 + 0 6 13 + 5 = 8 उसके बाद 6 है क्योंकि कह रही थी 6 में 3 घटाएंगे तो 3 लीटर में आ जाएगा 9 9 7 16 9 8 17 9 8। उसके बाद लास्ट बी नंबर बना देता हूँ दोस्तों 1100 meter + 75 centimeter 76 meter 25 centimeter तो सेंटीमीटर 5 में 5 गया 0 7 में 2 गया 5। उसके बाद मीटर में हो जाएगा 10 में 6 गया 4 और या 9 में 2 9 में 7 गया 2 तो इतना हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।